बात करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में मेथड्स ऑफ टीचिंग इन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाली शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि होती क्या है। जैसा आप जानते हैं कि टेक्निक इज़ अ प्रोसेस विच इन द इंटरेक्ट विद द अनदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, या हम ये कह सकते हैं कि किसी शिक्षक के द्वारा कक्षा में अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो तरीका प्रयोग में लाया जाता है या जिस तरीके से वो अपनी बात को अपने स्टूडेंट तक पूरी तरीके से उन्हें समझाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग करता है उस प्रक्रिया को या उस तरीके को हम शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधियाँ अगर देखें तो बहुत कुछ इस बात पर भी निर्धारित होती हैं या निर्भर करती हैं कि एक शिक्षक ने किसी पर्टिकुलर विधि का प्रयोग अपनी कक्षा में या उस विधि का प्रयोग अपनी कक्षा में किस तरीके से किया है। कई तरीके के इनोवेटिव मेथड्स हैं या कई तरीके के ऐसे नवीन नवाचार से युक्त विधियां हैं जो अब छात्रों को अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने के लिए या अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या अपनी शिक्षण प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर हम वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि शिक्षण विधियाँ कई तरह की होती हैं, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो इसी के बारे में करेंगे कि कुछ ऐसी इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं जिनका सहारा लेकर के शिक्षक अपनी बात को बहुत एफिशिएंटली बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी कक्षा में अपने छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, उस तरीके को या उस विधि को ही शिक्षण विधि कहा जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड होते कितने तरह के हैं। आपने कई तरह के नाम सुने होंगे कि ये टीचिंग मेथड हैं, लेकिन उनमें उन शिक्षण विधियों को यहाँ पर हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से उनका वर्गीकरण करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर हम दो तरह की टीचिंग मेथड्स का की बात कर रहे हैं जिन्हें टीचिंग ऑफ सोशल साइंस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादातर शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत उनका प्रयोग किया जाता है। पहली है इसमें डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स यानी प्रजातांत्रिक तंत्रात्मक शिक्षण विधियाँ, और दूसरी हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स या जिन्हें हम कहते हैं एक तरीके से हम इन्हें कह सकते हैं निरंकुशवादी शिक्षण विधियाँ। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स यानी प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो मेथड्स होते हैं या इन्हें प्रजातंत्रात्मक विधियाँ इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इस तरीके की विधियों में जब कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय छात्रों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है। शिक्षक इसमें एक गाइड, एक मेंटर की तरह कार्य करता है या एक उसका परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसमें छात्र अपना ज़्यादा क्रियाशील होकर के कार्य करते हैं और टीचर जो है यहाँ पर सेकेंडरी या एक तरीके से द्वितीयक रोल प्ले करता है। इस तरीके के जो मेथड होते हैं या इन्हें प्रजातांत्रिक कहने के पीछे एक और मतलब है कि इसमें छात्र पूरी तरीके से अपना कार्य करने के लिए या अपने 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 कार्य को संपूर्ण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और अपनी कक्षा में जो उनका जो कक्षा का जो वातावरण होता है उसमें उन पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है, पूरी तरह से फ्री होते हैं वो अपने कार्य के लिए। इसीलिए इन्हें प्रजातंत्रात्मक विधियाँ कही जाती हैं यानी पूरी तरीके से छात्र केंद्रित विधियाँ होती हैं, छात्र सेंटर में होता है और शिक्षक इसमें सेकेंडरी रोल प्ले करता है। इनके एग्जांपल हैं जैसे प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोर्स मेथड, सोशलाइज रेसिटेशन मेथड, सुपरवाइज स्टडी मेथड, ग्रुप डिस्कशन और ह्यूरिस्टिक मेथड इत्यादि। बहुत सारी ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जिनमें शिक्षक सिर्फ जैसे एक मान लीजिए प्रोजेक्ट का ही उदाहरण हम देते हैं कि प्रोजेक्ट विधि में ज़्यादातर काम बच्चा करता है, छात्र जो टीचर है या जो शिक्षक है वो यहाँ पर केवल एक मार्गदर्शक की तरह अपने छात्र को खाली उसको गाइड करता है और पूरा का पूरा काम तो इस तरह से यूज किए जाने जिसमें छात्र का रोल ज़्यादा है, शिक्षक का रोल कम होता है। इस तरह की विधियों को जितनी भी इस तरह की विधियां हैं वो सभी प्रजातांत्रिक विधियों के अंतर्गत आएंगी। अब हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड या इन्हें हम कहते हैं निरंकुशवादी
टीचिंग मेथड्स ये प्रजातांत्रिक विधियों के बिल्कुल उल्टी होती हैं या बिल्कुल अलग डिफरेंट होती हैं उनसे, क्योंकि इस तरह के जो टीचिंग मेथड होते हैं या जिन्हें हम अधिनायकवादी शिक्षण विधियां कहते हैं, ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं। टीचर सेंटर्ड मीन्स कि शिक्षक इसमें प्राइमरी रोल प्ले करता है और स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर सेकेंडरी हो जाता है, यानी एक्टिव पार्ट जो है वो टीचर प्ले करता है और स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा पैसिव हो जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर जो काम होता है वो शिक्षक के द्वारा संपूर्ण किया जाता है कक्षा के एनवायरमेंट में। इस दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि निरंकुशवादी विधियाँ या अधिनायक वादी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो पूरी तरीके से शिक्षक के नियंत्रण में होती हैं या उनमें शिक्षक अपना पूरा नियंत्रण रखता है, इसीलिए इन्हें अधिनायकवादी विधियां कहा जाता है। इनके एग्जांपल हैं जैसे लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ETC। यानी ये वो विधियां हैं जिसमें पूरा का पूरा जो कार्यभार है या पूरा का पूरा जो रोल है वो एक शिक्षक के द्वारा प्ले किया जाता है और छात्र यहां पर सिर्फ एक मूक दर्शक या थोड़ा बहुत एक्टिव होकर के यहां पर या तो सिर्फ सुनता है या कुछ देखता है या किसी तरीके के असाइनमेंट को करने का प्रयास करता है। शिक्षक जैसा जैसा कहता जाता है छात्र को वैसा वैसा इसमें करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें अधिनायकवादी शिक्षण विधियाँ कहा गया है। स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स ऑफ सोशल साइंस, अभी हमने बात की थी कि अधिनायकवादी शिक्षण विधियां क्या होती हैं और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड क्या होते हैं या प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सोशल साइंस के अंतर्गत या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे स्पेसिफिक, वैसे तो सभी मेथड सभी विषयों के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी विषय के अनुसार भी कुछ विधियों को अलग अलग तरीके के विषयों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हम उन विधियों की बात करेंगे जो स्पेशली यूज़ की जाती हैं सोशल साइंस के अंतर्गत या सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर हम चार तरह के टीचिंग मेथड आपके सामने दे रहे हैं जिनका प्रयोग सोशल साइंस में स्पेशली किया जाता है। उसमें सबसे पहला है सोर्स मेथड, यानी जिसे हम कहते हैं स्रोत विधि। दूसरा है प्रोजेक्ट मेथड, या जिसे हम कहते हैं परियोजना विधि। तीसरा है सुपरवाइज स्टडी मेथड, जिसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। और चौथा है सोशलाइज रेसिटेशन मेथड, यानी सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। ये चार ऐसी विधियां हैं जिनका प्रयोग सोशल साइंस में स्पेशली किया जाता है। अब अगली क्लास में हम इन्हीं चार स्पेसिफिक टीचिंग मेथड फॉर द सोशल साइंस को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।